सब्सक्राइब कीजिए रवि वर्मा मैथ्स यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन घंटे को, नया वीडियो सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आज मैं खुशी वर्मा आप सभी को लोगों के लिए लेके आई हूँ ट्रिक की वीडियो। जो जीएस की है वो हमारे आज भारत के राज्यों के मतलब भारत के 7 राज्यों के बारे में बताएगी, जहाँ पर विधान परिषद है। वो 7 कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद है, तो उन्हीं के बारे में बताएगी आज की हमारी यही ट्रिक है। और आज की ट्रिक है, कब से तेरा जाम उधार है, कब से तेरा जाम उधार है। तो ये ट्रिक हमारी बताएगी भारत के 7 राज्यों जहाँ 7 राज्य जहाँ पर विधान परिषद है, तो वो कौन कौन से राज्य हैं। तो आइए लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो कौन कौन से राज्य हैं उन्हीं के बारे में बताएगी, कब से तेरा जाम उधार है। तो यहाँ पे कब से ये हमें नहीं लेना है, ठीक है, और ये नहीं लेना है, और ये रा भी नहीं है और ये भी रा नहीं है, बाकी चीज़ें हमें लेनी ही है, बाकी चीज़ों से हमारी ट्रिक है। तो का मतलब क्या होगा? नंबर 1 पे कर्नाटक, का से कर्नाटक, कर्नाटक हो गया। और बा से मतलब क्या हो गया? बिहार हो गया। बा से क्या हो गया? बिहार हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और ता से क्या हो गया? तेलांगना। ता से क्या हो गया? तेलांगना हो गया, ठीक है, तेलंगना होता है, तेलंगाना नहीं होता है, ठीक है। और जा से क्या हो गया? जम्मू, कश्मीर हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। और माँ से क्या हो गया? महाराष्ट्र, माँ से हो गया महाराष्ट्र हो गया। ऊ से क्या हो गया? ये हो गया यूपी, उसे यूपी। और धा से क्या हो गया? ये थोड़ा ध्यान देने बात है, क्योंकि यहाँ होगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो ये थे हमारे 7 प्रदेश, 7 राज्य जो जहाँ पर विधानसभा परिषद है। तो ये देखिए कितनी आसानी से हमने कंप्लीट कर लिया, कब से तेरा जाम उधार है। ये ट्रिक तो सबको याद ही रहेगी, एकदम पक्का है, भूलने वाली नहीं है। होली का सीजन, होली का मौसम आ रहा है, तो पक्का याद रहेगी, भूलेगी नहीं, है ना। तो कब मत का मतलब कर्नाटक, बा मतलब बिहार, ते से ते मतलब तेलंगाना, जा से जम्मू कश्मीर, मा से महाराष्ट्र, ऊ से मतलब यूपी उत्तर प्रदेश, और धा से मतलब आंध्र प्रदेश। आंध्र धा से ये वाला धा ले लिया गया है, आंध्र प्रदेश। तो ये थोड़ा याद रखने बात वाली बात है, बाकी चीज़ें हमें याद रहेंगी। तो देखिए कितनी आसानी से हमने क्लियर कर लिया। तो आइए देखते हैं अपनी एक और एकदम नई ट्रिक, जो आप लोगों को बेहद पसंद आएगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो हमारी ट्रिक है वो हमारे देश के संविधान में कौन सा भाग किस देश से लिया गया है, इसके बारे में ये ट्रिक हमें बताएगी। तो हमारी ट्रिक है विदेशी स्रोतों से लिए गए भारत संविधान के भाग, मतलब कौन से देश से क्या लिया गया है उसके बारे में ये ट्रिक हमें बताएगी। तो हमारी ट्रिक है आम बिके 10 आने में, जाप जाप कस फ्राग, मतलब ऐसे भी कह सकते हैं आम बिके 10 आने में, चाप चाप के खाओ। तो उसी पे है हमारी ये ट्रिक, आम बिके 10 आने में, जाप जाप कस फ्राग। तो इसी पे है आधारित कि इसी पे हम जानेंगे कौन से देश से क्या लिया गया है हमारे भारत के संविधान में। और ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये आप सभी को पता होगा कि अक्सर ही परीक्षा में इसमें से एक न एक क्वेश्चन जरूर पुटअप होता है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसी को आज हम कवर करेंगे, और एकदम इजी मेथड से, कि जब भी के आम भी के 10 आने में, जब जब कर खा फ्राग, मतलब जैसा कि आम का सीज़न भी आने वाला है, अभी तो टाइम है लेकिन फिर भी आने वाला है। तो
तो कैसे हम इसको याद रखेंगे? तो इधर हम लिखेंगे कि देश, किस देश से क्या लिया गया है, इस इधर लिखेंगे देश, और इधर जो लिया गया है उस देश में, उस देश से हमारे संविधान में, वो हम इस साइड लिखेंगे, ठीक है? तो आप लोग समझिएगा और समझाने की कोशिश करेंगे पूरा पूरा, और आप लोग समझने की कोशिश भी करिएगा। एकदम इजी है, कोई इशू नहीं है, एकदम समझ में आएगा। तो आ से मतलब क्या होगा? अमेरिका। आ से अमेरिका, और अमेरिका से क्या लिया गया है हमारे संविधान में, बताइए। अमेरिका से लिया गया है माँ से मौलिक, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। देखिए, आ से अमेरिका और माँ से मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार और राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है? मौलिक अधिकार व राष्ट्रपति का निर्वाचन। देखिए, आम से हमें दो चीज़ें याद हो गई, आ से अमेरिका और मा से मौलिक अधिकार, और बीके से क्या होगा हमारा, बताइए आप लोग। तो बा से क्या होगा? ब्रिटेन। वी से, वा से मतलब ब्रिटेन, और ब्रिटेन से क्या लिया गया है हमारा, बताइए। वी के से एक के मतलब एकल नागरिकता, ब्रिटेन से क्या लिया गया है? एकल नागरिकता, एकल नागरिकता जो है हमारे संविधान में, वो कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है ब्रिटेन से, ठीक है? और दस, दस मतलब दाग से क्या होगा, बताइए आप लोग। दक्षिण दक्षिण अफ्रीका, और सा से मतलब क्या लिया गया है, बताइए आप लोग। सा से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है? दस मतलब, अब दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है हमारे संविधान में, ठीक है? और आने, आने मतलब आ से क्या होगा? आयरलैंड, आयरलैंड, और आयरलैंड से क्या लिया गया है, बताइए। ना से क्या होगा? नीत निर्देशक, नीत निर्देशक तत्व, ठीक है? आने, और जाप मतलब क्या होगा? जा मतलब होगा, जा मतलब क्या होगा? जापान, और जापान से क्या लिया गया है? पा मतलब प्रारूप, प्रारूप, पा मतलब प्रारूप, और फिर जाप है हमारा, तो जा से क्या होगा? जर्मनी, और जर्मनी से क्या लिया गया है, बताइए आप लोग। तो यहाँ से लिया गया है आपातकाल, जर्मनी से क्या लिया गया है? आपातकाल, ठीक है? और फिर क्या होगा? कस, कस मतलब का मतलब कनाडा, का मतलब कनाडा, और कनाडा से क्या लिया गया है हमारा, बताइए आप लोग। कनाडा से क्या लिया गया है? संघ तथा कनाड, कस कस से संघ, संघ तथा राज्यों के मध्य,
राज्यों के मध्य, सॉरी मध्य शक्तियों का विभाजन। ठीक है, ये कनाडा से लिया गया, संघ तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। ठीक है, ये कहाँ से? कनाडा से लिया गया है। और फिर हमारा एक बचा है फ्राग। फ्राग मतलब क्या होगा? फ्रांस। फ्रा मतलब फ्रांस, और फ्रांस से क्या लिया गया है? गणतंत्र, फ्रांस से लिया गया है। आप लोगों को समझ में आया? देखिए कितनी आसानी से हमने इसे कंप्लीट कर लिया। सिर्फ इतना हमें आम बिके दस आने, जाप जाप कस प्राग। आम, देखिए आम से माम, आ मतलब अमेरिका, और मा से मतलब मौलिक अधिकार तथा राष्ट्रपति का निर्वाचन। बिके मतलब ब्रिटेन, का मतलब एकल नागरिकता। दस मतलब दस से दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? वो हमारा लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। आने मतलब आ से क्या, आयरलैंड से क्या लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व। और जाप, जाप से जा मतलब जापान, जापान से हमारे संविधान में क्या लिया गया है? प्रारूप। और फिर जाप है हमारा तो जर्मनी, जर्मनी से हमारा क्या लिया गया है? आपातकाल लिया गया है। और का मतलब कनाडा, कनाडा से क्या लिया गया है? संघ तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। फ्राग मतलब फ्रांस से क्या लिया गया है? गणतंत्र। तो देखिए कितनी आसानी से हमने चीज़ें याद कर ली, और ये अपने आप में एक टॉपिक है। बहुत ही क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किए जाते हैं, और ये तो हमें पता ही होना चाहिए कि हमारे संविधान में, जिस देश में हम रह रहे हैं वहाँ के संविधान में क्या क्या चीज़ें हैं, और वो चीज़ें कहाँ कहाँ से ली गई हैं, ये तो सबको पता ही होना चाहिए। तो कैसी लगी हमारी ये ट्रिक, हमें ज़रूर बताइएगा, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स से हमें कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन घंटे को दबाइएगा, ताकि हम नए वीडियो नई ट्रिक लोड करें और आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। आप सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन घंटे को ज़रूर दबाएँ, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली नई ट्रिक में, एकदम नई, जो आप लोगों के लिए एकदम इजी होगी, और आप लोगों को आप परीक्षा में याद करने के लिए चीज़ें थोड़ा इजी करने के लिए ज़रूर आप लोगों का सहयोग करेंगी। तो मिलते हैं अगली ट्रिक के साथ, एकदम नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और मज़े से एंजॉय से पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए रवि वर्मा मैथ्स यूट्यूब चैनल को, और दबाइए बेल आइकन घंटे को। नया वीडियो सबसे पहले